हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं कार फॉर सेल्स सिमुलेटर। लास्ट वाले एपिसोड में आप सबको पता ही होगा कि हमने कितनी गाड़ियां बेच बेच के यहां पे इतने पैसे जमाए हैं। भाई साहब, मेरे पास बचे हैं अभी 673,000 डॉलर, और मैं यहां पे आके देखता हूं कि मेरी सुपरा यहां पे कद्दू भी नहीं है। मैं भाई डर के फटके चार हो गई, क्योंकि बहुत दिनों के बाद खेल रहा था। मैंने सोचा कि कहीं वो कुछ होता है ना भाई, डिसअपीयर हो गया बोल के मैंने सोच लिया था। भाई बाद में इतना ढूंढता हूँ, उसके बाद मैं खोलता हूँ टैबलेट, अपने टैबलेट के अंदर खोल के जाता हूँ डायरेक्टली बेचने के लिए। वहां पे मेरे को कार मिल जाती है, लेकिन मेरे को कद्दू भी याद नहीं है कि मैंने कहाँ पे रोका था। यहाँ पे एक मैं लास्ट वाले एपिसोड में आई थिंक मस्टैंग लेके आया था, उसको रिपेयर करवा रहा हूँ। अभी यहाँ पे रिपेयर करवा लेता हूँ। इसके अंदर ड्रिफ्ट किट लगी हुई है भाई, मेरे को नहीं पता मस्टैंग के अंदर ड्रिफ्ट किट लगा के क्या कर रहा था बंदा। वैसे कार ड्रिफ्ट के लिए ही चलती है, लेकिन 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 आपका भाई पता है मैं यहाँ पे ड्रिफ्ट नहीं करता, बस रेस करता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि भाई इसको पर्सनल व्हीकल बनाएंगे, जो कि साथ के साथ रहेगी हमारे सुपरा के साथ, लेकिन उसके बाद बेच देता हूँ। क्यों, किस लिए मत पूछना। यहाँ पे रात हो चुकी है, अभी मैं आ चुका हूँ मेरे कंटेनर में सोने के लिए। देख रहा हूँ इस घटिया से घर में रहता हूँ मैं। मेरे पास 7 लाख के करीब करीब पैसे हैं, और 2 लाख के गाड़ियाँ हैं, 2 लाख के नहीं 1.5 लाख के गाड़ियाँ हैं भाई। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वो घटिया से कंटेनर में सो रहा हूँ। मैं जी रहा हूँ सिंप्लिसिटी। यहाँ पे आते वक्त मेरे को मिल चुकी थी एक रेस 15,000 की। मैंने बोला कि भाई कर लेंगे रेस, वो बंदी उतने टाइम से खड़ी हुई थी। और मस्टैंग में भाई साहब बेस्ट शिफ्ट लग रहा है, बेस्ट शिफ्ट। और एक इतनी ही तारीफ करने वाला था, लेकिन उसके बाद वहाँ पे तीनों के तीनों लेट शिफ्ट हो जाते हैं, उसके वजह से यहाँ पे वो मेरे को भी नहीं पता मेरे पीसी के अंदर क्या गया था। उसके बाद मैं आ जाता हूँ मेरे नेबरहुड में, यहाँ पे ड्रिफ्ट मारता हूँ। भाई साहब ड्रिफ्ट मारो भाई, कितने ही खतरनाक हो रहे हैं ड्रिफ्ट यहाँ पे। यहाँ पे आता हूँ, एक कार मिलती है जो कि है यहाँ पे एक टेस्ला खड़ी हुई थी, लेकिन लेकिन उसके बाजू वहाँ पे एक सुपरा भी खड़ी थी। मैं जब वॉइस ओवर कर रहा हूँ मेरे को तब पता चला कि वहाँ पे एक सुपरा खड़ी थी, लेकिन यहाँ पे एक और यहाँ पे जो भी थी एक ले लिया है टेस्ला को। उसके बाद यहाँ पे सुपरा भाई इतनी खुंदस चढ़ी हुई थी ना इस बंदे को, 2022 की मॉडल है, और इतना गंदा एक्सीडेंट ठोक के रखा है ना बंदे ने। भाई वो कितने को दे रहा था मेरे को नहीं पता, 72 में पूछा था मैंने, 65 को पूछा भाई दे दिया। मैंने बोला कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेच लेंगे, इसलिए मैंने ले लिया है यहाँ पे। अभी उसको भी टो करवा के भेज चुका हूँ मैकेनिकल शॉप में, और मैं कब जाऊँगा मेरे को भी नहीं पता। लेकिन उससे पहले उसके बाद ऐसे ही जा रहा था मैं, लेकिन यहाँ पे मेरे को मिल जाती है मेरी सुपरा। सुपरा मिलते ही मैंने बोला कि भाई मस्टैंग को तुझे टो करवा के मैं बेचने वाला हूँ डायरेक्टली पार्किंग में। भाई कितनी गंदी हो रखी है भाई सुपरा, मैंने यहाँ पे आई थिंक लास्ट वाले एपिसोड में छोड़ के चला गया था। यहाँ पे सामने डैमेज भी हो रखी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रिपेयर करवा लेंगे। अभी भी मेरे पास 2 गाड़ियाँ लेके 5,86,673 डॉलर बचे हैं। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट आता हूँ, और जो ही खतरनाक वाला यहाँ पे ड्रिफ्ट मारता हूँ ना भाई साहब, कुछ भी कहो सुपरा एकदम नेक्स्ट लेवल वाली चलती है। भाई इसको 920 डॉलर्स दिया है भाई, वो घटिया सी सुपरा को मैं लेने के लिए 65,000 दे दिया था। उसके बाद मैं कौन से गत्ते फूक के खेल रहा था मेरे को भी नहीं पता भाई। रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है, मैं हमेशा रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, देखता भी नहीं हूँ भाई। लास्ट वाले एपिसोड जब क्रिकेट खेल रहा था अभी वैसे ही हुआ था। मैं इसके बाद वो दोनों गाड़ियाँ बेच के भाई एक फरारी भी ले लिया था। मैंने इतने फोटोज़ लिए थे ना उसके, आई थिंक 4-5 फोटोज़ लिए थे अच्छे अच्छे थंबनेल करने के लिए, लेकिन कद्दू भी वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता है। यहाँ पे देख लो भाई, मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे इस बंदे को मैं उससे पहले फरारी लेने से पहले आके लेके पूछ चुका था, ये बंदा देने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए वो और एक फरारी लेके चला गया था मैं। और मेरे को क्यों यहाँ पे इतनी खुंदस चढ़ी थी मेरे को भी नहीं पता। और मैं मस्टैंग को एक कलर करा चुका हूँ, जो भी हमारे पास मस्टैंग थी ना वो उसको ब्लैक कलर की थी, लेकिन मैंने उसको कलर लगा दिया है अभी। क्यों किस लिए मत पूछना, क्योंकि मेरे को मस्टैंग येलो में ही अच्छी दिखती है। और यहाँ पे आता हूँ वापस से, आने के बाद कोई भी देखा नहीं भाई, मैं इतनी ठोकता हूँ ना गाड़ियों को, मेरे को नहीं पता कि क्यों इतना ठोकता हूँ, इतना ठोकता हूँ, इतना ठोकता हूँ, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये क्या बोल रहा हूँ मेरे को भी मत पूछना। और यार यहाँ पे फरारी को बहुत खतरनाक वाला मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ। यहाँ पे रेसिंग किट लगा दिया है अभी, मैंने डिफ़ॉल्ट किट क्यों लगाया मेरे को भी नहीं पता।
आई थिंक इसलिए वो आगे जाके भाई बिकने का नाम ही नहीं ले रही थी भाई। यहाँ पे रात हो जाती है, मैं बोलता हूँ कि भाई पेंट शॉप के अंदर जाके खड़ा लूँगा, उसके बाद जाऊँगा सोने के लिए और आके वापस से ठोक देता हूँ यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ ना, इतना ठोकता हूँ उसके बाद गलती से वापस से आता हूँ मैं नेबरहुड को। और यार यहाँ पे एक मस्टैंग खड़ी हुई थी तो मैंने बोला कि भाई ले लेंगे इसको भी, क्योंकि जो मेरे पास अभी मस्टैंग है उसको मैं बेचने का प्लान कर रहा हूँ। क्यों किस लिए मत पूछना, क्योंकि उसके अंदर ड्रिफ्ट किट लगी हुई है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि भाई ड्रिफ्ट किट लगा के रेसिंग किट लगा ले, लगा सकता था। मैंने बोला कि भाई ले लेंगे क्योंकि शोरूम में बेचना भी है ना। तो यहाँ पे जो मेरी पहली वाली मस्टैंग थी वो रिपेयर हो चुकी है, अभी इसको लेके जाके मैं वापस से पार्क कर रहा हूँ। भाई मैं बता रहा हूँ ना, 2 सेकेंड लेट आता, बस 2 सेकेंड लेट आता ना, वो कार वाले को वापस से जाके ठोकता मैं। मेरे को नहीं पता कि भाई मैं इतना घटिया क्यों खेलता हूँ ये गेम, और मेरे को यहाँ पे पूरी की पूरी ऑफिस जो है ना अपग्रेड कर लेता हूँ। भाई मेरे 2 लाख उधर ही चले गए थे भाई, मैं क्या बोलूँ, वो वाली वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है यार। भाई मैं पूरी की पूरी यहाँ पे अपग्रेड कर चुका हूँ मेरी शोरूम को। पहले तो वहाँ पे छोटी जगह थी गाड़ियाँ रोकने के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे इतनी बड़ी हो चुकी है क्योंकि उसको 2 लाख डॉलर दे के मैंने अपग्रेड किया है, 2 लाख डॉलर। और वापस से फरारी लेके आके ठोक देता हूँ। मेरे को नहीं पता भाई उस फरारी को कितनी बार ठोका है मैंने। यहाँ पे देख लो यार, जो ही खतरनाक वाला दिख रहा है मेरा शोरूम, या एक सुपरा खड़ी हुई है, एक फरारी खड़ी हुई है, एक मस्टैंग खड़ी हुई है और एक मस्टैंग रिपेयर हो रही है। इससे पहले यहाँ पे मैं फरारी को बेचने के लिए डाल रहा हूँ, फरारी बोल के डाल दिया 8,90,000 डॉलर को। मेरे को पता है यार उतनी को जाएगी नहीं, लेकिन मैंने बोला कि भाई डाल देंगे। उसके बाद जो मैं मस्टैंग लेके आया था उसको वापस से येलो करवा देता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा पॉलिश लगाता हूँ क्योंकि ये मैं पर्सनली व्हीकल बनाने वाला हूँ। भाई मेरे को नहीं पता कि 2 दिन से मैं एक यहाँ पे एक बेरोजगार आदमी को देख रहा हूँ, मेरे को नहीं पता उसको क्या करना है। एक तो वो कहीं पे बाहर के पास बैठा हुआ था और एक कहीं पे वो कार मार्केट के पास भी बैठा हुआ था। अभी यहाँ पे देखा तो भाई मेरे गैरेज के, जो गैरेज है ना मेरी नहीं है, सामने वाले गैरेज वालों के पास आके बैठा है। मस्टैंग को लेके आके 1 लाख को डाल चुका हूँ मैं, वो वाली मस्टैंग को डाला हूँ भाई, ये वाली मस्टैंग को नहीं। ये आंटी आ चुकी है अभी गाड़ी लेने के लिए, देखते हैं कि कितने में लेगी। मैंने डाला है 8,90,000 और ये मेरे को पूछ रही है 4,14,000 को। और उसके बाद यहाँ पे उसको भगा देता हूँ। ये आंटी को देख लो यार, हमेशा आती है, कद्दू भी नहीं लेती है भाई। ये आके मेरे को 45,000 में पूछ रही है मस्टैंग, तू आंटी तू लेगी नहीं है यार, तू क्यों आती है लेने के लिए भाई, इतनी खुंदस चढ़ाती है ना। मैंने बोला कि भाई इसको देंगे नहीं भाई, कोई और आके मेरे को यहाँ पे 10,000 कम भी पूछ जाए ना मैं इसको दे दूंगा, इस घटिया आंटी को नहीं दूंगा मैं। यहाँ पे आती है 46,000 को, मैं 50,000 की डील देता हूँ और वो ले लेती है। जैसे ही मस्टैंग को बेचता हूँ, वो मस्टैंग के बाद लेने के लिए आ चुका है कोई छपरी यहाँ पे, और वो मेरे को पूछ रहा था 3.5 लाख के अंदर। भाई तू क्या कर रहा है यार, भाई नल्ले है क्या तू भाई, 3.5 लाख भाई औकात के बाहर है तुम्हारी, तुम लेने मत आओ, मैं 5 लाख का ऑफर देता हूँ। घटिया आदमी मेरे को 3.5 लाख में पूछ रहा है भाई, नल्ले पाओ तू जाके पैसे कमा ले, थोड़ा बाद में आ। यहाँ पे इतने घटिया बाल छोड़ के आया है ना। उसके बाद आंटी आती है 4.5 लाख के लिए, मैं बोलता हूँ कि भाई थोड़ा आंटी रुक लो, यहाँ पे एक अंकल आया उसको भी पूछ लेता हूँ। ये उससे भी घटिया छपरी आदमी था, बेरोजगार आदमी, यहाँ पे 3,30,000 दे रहा है और 3,34,000। उसके बाद जो आंटी आई थी ना उसको बोलता हूँ कि भाई तू लेके जा 4.5 लाख में, तू लेके जा, उसको बेच देता हूँ। उसके बाद मस्टैंग को लेके मैं जाता हूँ गेड़िया मारने के लिए, क्यों किस लिए मत पूछना। मेरे को यहाँ पे करने के लिए कुछ भी काम नहीं था भाई, मेरे पास कितने पैसे थे मालूम, भाई मैंने यहाँ पे शोरूम एक्सटेंड किया ना उसकी वजह से 2 लाख रुपये चले गए भाई, 2 लाख वहाँ पे चले गए। और 25,000 दे के मैं यहाँ पे जो भी टो वगैरह का आता है ना उसको लिया था मैं, उसकी वजह से पूरा चला गया। उसके बाद मैं सुपरा को लेके जाता हूँ यहाँ पे कुछ करने के लिए, क्या करने के लिए जाता हूँ भाई, सुपरा को लेके बाद में जाता हूँ मैं यहाँ पे रेस करने के लिए। यहाँ पे 3 कार आए थे, एक विंटेज आई थी और एक नॉर्मल आई थी, उसके बाद एक मस्टैंग आई थी। मैंने बोला कि भाई मस्टैंग के साथ करेंगे, सुपरा डरती है क्या। उस टाइम जब मैं ये गेम खेल रहा था उस समय मैं मूवी देख लेके गेम खेल रहा था भाई, उसकी वजह से भाई मैं यहाँ पे हार चुका हूँ भाई। मूवी देख लेके मैं खेल रहा था और अच्छा सीन आ रहा था, उसको देख लेके बैठा हूँ और वो मस्टैंग वाला जीत गया भाई मेरे सामने, लेकिन गलती मेरी है। इसको बहाना भी समझो, कुछ भी समझो, समझ सकते हो। यहाँ पे हारने के बाद मैं आ जाता हूँ
मेरी गाड़ी को अपग्रेड करने के लिए। सो वही जैसे ही यहाँ पे अपग्रेड कर देता हूँ मेरी कार को वापस से सेम टू सेम, और मैंने व्हील्स को भी चेंज कर लिया है। और मेरे को नहीं पता कि भाई मैं सस्पेंशन सही रखा हूँ या गलत कर रखा हूँ। तो यार बस आज के लिए इतना ही है, आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।